नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का ऑस्कर पुरस्कार जीत लिया है। संगीतकार एमएम केरावनी और गीतकार चंद्रबोस को ऑस्कर से सम्मानित किया गया। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित और अभिनेता रामचरण और जूनियर एनटीआर की एक्टिंग से सजे इस गाने ने पहले से ही धूम मचा रखी है। नाटू नाटू ने इससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता था। ऑस्कर अवार्ड में इस बार भारत ने अपनी दम दिखा दी है। नाटू नाटू गाने के अलावा बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर द एलिफेंट विस्परर्स ने जीता है। द एलिफेंट विस्परर्स की निर्माता गुनीत मोंगा ने इवेंट की तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा, यह रात ऐतिहासिक है क्योंकि ये किसी भारतीय प्रोडक्शन के लिए अब तक का पहला ऑस्कर है। बता दें, द एलिफेंट विस्परर्स को 8 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। 39 मिनट की इस इंडियन अमेरिकन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक कपल और उनके बेबी एलिफेंट से बॉन्डिंग की कहानी को शानदार तरीके से दिखाया गया है। ऑस्कर 2023 में भारत को दो अहम पुरस्कार मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। साथ ही कहा है कि भारत गर्व महसूस कर रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि असाधारण नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है। ये एक ऐसा गाना होगा जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए एमएम केरावनी, चंद्र बोस और पूरी टीम को बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बहुत खुशी और गर्व महसूस कर रहा है। एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने द एलिफेंट विस्परर्स की पूरी टीम को बधाई दी और कहा, कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा की फिल्म बेहतरीन तरीके से सतत विकास की अहमियत और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन को रेखांकित करती है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इसी फिल्म के लिए मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल यू ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए डेनियल कॉन और डेनियल शेनट यानी द डेनियल को मिला है। बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए भी इसी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके साथ ही बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का ऑस्कर भी इसी फिल्म के लिए डेनियल कॉन और डेनियल शेनट ने अपने नाम किया है। इसी फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल के लिए जेमी ली कर्टिस ने ऑस्कर अपने नाम किया और की हू कौन ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में अवार्ड जीता है। बता दें कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस साल ऑस्कर में अब तक सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म बन गई है। इस बार के ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार हॉलीवुड अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। उन्हें द वेल फिल्म में उनके अभिनय के लिए अवार्ड दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिशेल यो को मिला। मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल यो ने यह अवार्ड उनकी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए जीता है। लोकसभा शुरू होते ही आज 13 मार्च को हंगामा हो गया और भारी शोरगुल के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लंदन में दिए गए भाषण को लेकर भारतीय संसद और लोकतंत्र का कथित रूप से अपमान करने के लिए माफी मांगने की मांग की। कांग्रेसी सांसदों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। शोर बढ़ता गया तो स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद की कार्यवाही की शुरुआत राहुल गांधी से उनके लंदन भाषण पर माफी मांगने के लिए कहकर की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कांग्रेस सांसद के भाषण पर बात की। इसके विरोध में विपक्षी नेता सदन के वेल में आ गए, जिससे लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। उसके तुरंत बाद राज्यसभा को भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद पीयूष गोयल ने गांधी से ऐसी ही मांग की। गोयल ने कहा कि एक प्रमुख विपक्षी नेता विदेश जाता है और भारतीय लोकतंत्र पर हमला करता है। उन्होंने भारत और संसद के लोगों का अपमान किया है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और सांसद संसद में बोल सकते हैं। राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर बीजेपी की ओर से किए जा रहे हंगामे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने कहा कि अगर पीएम मोदी खुद विदेश में ऐसी बातें कहें तो सही और राहुल गांधी कहें तो गलत हो जाता है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। खड़गे ने कहा कि अगर किसी कॉलेज में डेमोक्रेसी की बात करते हुए हमें देशद्रोही कहते हैं, लेकिन कोरिया में मोदी जी ने 70 साल में जो कुछ देश में हुआ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी निंदा की। कनाडा में कहा कि जो गंदगी फैलाकर गए हैं, मैं उसे साफ कर रहा हूं। खड़गे ने आगे कहा, अगर प्रधानमंत्री खुद विदेश में ऐसी बातें कहें तो सही और राहुल गांधी कहें तो गलत हो जाता है। खड़गे ने सदन में विपक्ष को ना बोलने देने को लेकर भी कहा कि अडानी के मुद्दे पर हम जेपीसी बिठाने की मांग कर रहे हैं, मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया गया।
पीयूष गोयल को बोलने के लिए 10 मिनट दिए गए हैं। हमारा माइक भी बंद कर दिया गया और हंगामा किया गया। हम विक्रम बेताल की तरह इसके पीछे पड़े रहेंगे। बता दें, राहुल गांधी ने भी लंदन में कहा था कि संसद में उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। अडानी मुद्दे पर बीआरएस और आम आदमी पार्टी सांसदों ने आज सोमवार 13 मार्च को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। दोनों राजनीतिक दलों के सांसदों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर एक जेपीसी की मांग की। बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और बीआरएस पार्टी की एमएलसी के कविता से ईडी ने पूछताछ की है। इसके अलावा कई विपक्षी नेताओं को भी सीबीआई और ईडी ने टारगेट किया है। वहीं कई विपक्षी सांसदों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं, लेकिन सभी के मुद्दे अलग अलग हैं। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने चीन पर बहस कराने का नोटिस दिया है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह कहा कि कांग्रेस बढ़ती कीमतों, केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी में जनता के जोखिम जैसे मुद्दों को उठाएगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता किरण कुमार रेड्डी ने रविवार की शाम कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने पार्टी के सामने शर्त रखी है कि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी, उसके बाद ही वो पार्टी में शामिल होंगे। बता दें, एन किरण कुमार रेड्डी 2010 से 2014 तक अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पद छोड़ने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा देकर अपनी अलग पार्टी जय समय के आंध्र का गठन किया। 2014 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने अपनी पार्टी से ही लड़ा, लेकिन बुरी तरह से हार गए। उसके बाद 2018 में वो फिर वापस कांग्रेस में लौट आए और रविवार को उन्होंने एक बार फिर से अपनी पार्टी छोड़ दी है। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी चौथे टेस्ट मुकाबले के नतीजे से पहले ही भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। दरअसल, न्यूजीलैंड ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया। इसके बाद पॉइंट टेबल में आगे होकर भारत WTC के फाइनल में पहुंच गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 7 से 11 जून 2023 के बीच लंदन के ओवल मैदान पर खेला जाना है। ये मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही होगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इंदौर टेस्ट मैच में हराकर ही फाइनल में जगह बना ली थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैच की सीरीज का आखिरी टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। 5वें दिन लंच के बाद का खेल जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 120 से अधिक रन बना लिए हैं। भारतीय टीम लगातार विकेट की तलाश में है। बता दें, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 480 रन बनाए, वहीं भारत की पहली पारी 571 रन पर ऑल आउट हुई। इस तरह भारत ने 91 रनों की लीड हासिल कर ली। ऐसे में भारत की कोशिश ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी को जल्द से जल्द निपटाने की है, तो ऑस्ट्रेलिया की कोशिश है कि वो बड़ा स्कोर बनाए और मैच को ड्रॉ कराए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।